तकनीक ने मैदान के अंदर ही नहीं बल्कि मैदान के बाहर होने वाले खेल को भी बदल दिया है। अलग अलग मोबाइल ऐप्स ने सटोरियों को एक जैसी जगह उपलब्ध करा दी है जहां ना उन्हें अपनी पहचान जाहिर होने का डर है और ना पुलिस का खौफ। पारंपरिक सट्टे का सिग्नल शॉट, जोड़ी या फिर मटका अब तमाम वेबसाइट और ऐप पर खुलेआम खेला जा रहा है। इनमें पड़ोसी मुल्कों या यूरोपीय देशों के सर्वे का इस्तेमाल होता है, ऐसे में जड़ तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। तकनीक के दौर में अब तक सट्टेबाज और सट्टे का कारोबारी भी हाईटेक हो गया है। अब मोबाइल ऐप के जरिए सट्टे का कारोबार चल रहा है, इसके अलावा ई वॉलेट के जरिए पैसे का लेन देन हो रहा है। ऐसे किसी ऐप से जुड़ने के लिए सट्टा किंग की शरण में जाना पड़ता है। छोटे सट्टेबाजों को ई वॉलेट के जरिए गारंटी मानी पड़ती है, इसके बाद उसके नाम पर एक अकाउंट खुलता है, इसका पासवर्ड दिया जाता है, फिर उसे मिलते हैं मैच के भाव और मिनट टू मिनट अपडेट। सट्टेबाजी होती है और सारा लेन देन ई वॉलेट के माध्यम से किया जाता है। पुलिस की माने तो सट्टेबाज एक मोबाइल फोन पर 4-5 ई वॉलेट रखते हैं। इन ऐप पर 4 तरह की मेंबरशिप होती है। पहले लाइव गेम की जनरल मेंबरशिप, वहीं एक दिन की वीआईपी सदस्यता की कीमत 20,000 रुपये है। एक हफ्ते की वीआईपी में मेंबरशिप चाहिए तो 50,000 से लेकर 1,00,000 तक देने होंगे। एक महीने के सुपर वीआईपी मेंबरशिप में 2-3 लाख रुपये तक में मिलती है। सट्टा कारोबारियों का एक पेंटर सबसे महंगा मेंबरशिप के साथ घाटा रिकवर करने वाली इंश्योरेंस स्कीमों के भी ऑफर देते हैं। भारत में सट्टे का ऑनलाइन कारोबार रुपए में हो रहा है, जबकि विदेशी साइटें बिटकॉइन में डील करती हैं। जैसे ई वॉलेट से लेन देन होता है, उसे क्वाइंट की डिजिटल आईडी के साथ ही रजिस्टर कर लिया जाता है। दूसरे मोबाइल नंबर और ई वॉलेट का इस्तेमाल नहीं होता। पहले सट्टेबाज व्हाट्सएप का उपयोग करते थे, लेकिन ग्रुप में सीमित लोग ही शामिल होने की वजह से इस प्लेटफॉर्म को बदल दिया गया। लोकल सट्टेबाजों को पछाड़कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने वाली पुलिस के लिए जितना आसान है, ऑनलाइन सट्टेबाजों साइट और मोबाइल ऐप कंपनियों के लिए एक्शन उतारना ही मुश्किल। जिस तरह से सट्टे में इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ा है, उस रफ्तार से पुलिस के पास जांच करने की तकनीकी नहीं आई, ऐसे में वह पीछे रह जाती है। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब क्रिकेट केसरी पर देख रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अमन यादव, पंजाब केसरी, दिल्ली।